अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो थैंक्स पर जरूर क्लिक करें और अपना प्यार भेजिए। सीआईडी के पिछले एपिसोड में आपने देखा, इंस्पेक्टर आशा की एक सहेली सीआईडी ब्यूरो में आकर बताती है कि उसका पति राकेश पूना से मुंबई आया था पर वापस नहीं पहुंचा। सीआईडी उस लॉज में जाती है जहां राकेश रुका हुआ था। वहां पर एक टैक्सी ड्राइवर बताता है कि वो राकेश को लॉज से अपनी टैक्सी में लेकर जा रहा था कि एक गाड़ी ने उनका रास्ता रोक लिया। उसमें से एक नकाबपोश आदमी उतरा और राकेश को अपनी गाड़ी में डालकर ले गया। डॉक्टर सोलंखे को समुद्र के किनारे पड़ी एक लाश मिलती है। दया राकेश के फिंगरप्रिंट्स लेने पूना जाता है ताकि वो लाश के फिंगरप्रिंट से उन्हें मिला सके। फिंगरप्रिंट्स मिलाने से पता चलता है कि वो लाश राकेश की ही है। और अब आगे लाश राकेश की है। अच्छा हाँ ठीक है, मैं राकेश के दोस्त जैसे पूछताछ करता हूँ। ओके क्या राकेश मर गया? मार दिया गया ये कहना ठीक होगा मिस्टर जय। मार दिया गया, लेकिन राकेश को कोई मारना क्यों चाहेगा भाई? यही जानने के लिए मैं आपके पास आया। मेरे पास क्यों? राकेश पिछले कुछ दिनों से 10 लाख रुपए मांग रहा था लोगों से। क्यों चाहिए थे राकेश को ये 10 लाख रुपए? अजीब बात है, पैसे चाहिए थे राकेश को और आप पूछ रहे हैं मुझसे? क्योंकि मिस्टर जय, आप राकेश को बार बार फोन कर रहे थे और वो आपसे बात करने से कतरा रहा था। क्या उसने आपको कुछ पैसे देने थे? नहीं नहीं, बस साफ साफ बता दो, खून का मामला है ये। खून का मामला है? इसीलिए तो कह रहा हूँ, सच बोल दो। सच बोलना ही पड़ेगा। अभी बोल दिया तो अच्छा है, वरना बाद में तो बोलना ही पड़ेगा। देखिए, राकेश ने मुझसे कोई पैसे नहीं लिए थे, बल्कि मैंने ही उसे 10 लाख रुपए रखने के लिए दिए थे। क्यों? मुझे खबर मिली थी कि मेरे घर इनकम टैक्स वालों का छापा पड़ने वाला है, इसलिए मैंने ये सारे पैसे वहां छुपा दिए थे। फिर? फिर क्या, 10-15 दिन हो गए, रेट पड़ा ही नहीं, और मैं फिर वापस उसके यहाँ पैसे लेने गया। तो उसने पैसे दिए ही नहीं, है ना? उसने वो सारे पैसे शेयर मार्केट में लगा दिए, मार्केट गिर गई, पैसे डूब गए सारे। तो आपसे छिपने लगा, और आप राकेश के पीछे पीछे मुंबई भी गए थे ना? नहीं नहीं, मैं मुंबई नहीं गया था, मैं यही पूना में था। ओ, तो आपने यही बैठकर सारा काम करवा लिया। पैसे निकलवाने के लिए आपने एक गुंडे को बुलाया, उसे पैसे दिए और उस गुंडे से राकेश को किडनैप करवाया। उस गुंडे ने राकेश के सिर पे इतने जोर से मारा कि वो बेचारा मर गया। ये झूठ है। ठीक है दया, तुम वही पूना में ही उस पर नजर रखो और पता करो कि जय की जान पहचान किन किन लोगों से है और उनसे जय के बारे में पूछताछ करो। अभिजीत, जब जब मैं इस लाश के अंदर झांकता हूं तब तब एक नई ही बात पता चलती है। कमाल, जिंदा लोगों की तरह लाश भी रंग बदलती है। लेकिन मुझे तो ये वैसी की वैसी दिखाई दे रही। देखो, राकेश का खून 7 तारीख को हुआ था और इसकी लाश समुद्र के किनारे हमें 11 तारीख को मिली थी। ठीक है? ठीक है, लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के हिसाब से लाश 4 दिन तक पानी में थी ही नहीं। पानी में नहीं, इतनी ज्यादा गल कैसे गई? नहीं, गली तो पानी में ही है, मगर समुद्र के पानी में नहीं। फिर कौन से पानी में? सादे पानी। सादे पानी में? तो कहीं नदी या तालाब में तो नहीं पड़ी थी? नहीं, नदी या तालाब में तो नहीं, पर शायद पानी की टंकी में पड़ी हो या बाथटब में पड़ी हो। जहां तक मेरा अंदाजा है, लाश कम से कम 3 दिन तक सादे पानी में रखी गई, उसके बाद कहीं 4थे दिन
समुद्र में फेंकी है, मगर कोई लाश इतने दिन तक ऐसे अपने पास क्यों रखेगा? एक कारण हो सकता है, खूनी राकेश को जान से मारना नहीं चाहता होगा, लेकिन अचानक जब वो मर गया उसे समझ में नहीं आया कि लाश का क्या करे। 3 दिन के बाद मौका देकर उसने लाश समंदर में फेंकी ताकि किसी को मिले नहीं। 3 दिन तक उसने लाश पानी में क्यों रखी? साइकिल के चेन वाले गुंडे को ढूंढना होगा जिसने राकेश को मारा था। हाँ सर, शहर में 6 ऐसे गुंडे बदमाश हैं जो साइकिल चेन का इस्तेमाल हथियार की तरह करते हैं। इनमें से 5 का पता लग चुका है। उनके हाथों पर हमने साइकिल चेन बांधी है और चेहरे पर नकाब भी ढक दिया है। ठीक है, इससे इस टैक्सी ड्राइवर को खूनी पहचानने में मदद मिलेगी। सुनो, अंदर चलो और इनको पहचानो, इनमें से कौन है। साहब मुझे कुछ होगा तो नहीं? कुछ नहीं होगा, डरने की बात नहीं है। चलो साहब, बहुत डर लग रहा है। चलो साहब, देखो ध्यान से, देखो इनमें से कौन है। ये था नहीं साहब, ये लंबा है साहब। ठीक से याद है? जी मैडम। ये तो मोटा है। इसे देखो, ये था नहीं मैडम, ये भी लंबा है। ये सीधा खड़ा रहे। ये भी नहीं था। एक बार फिर से देख। नहीं मैडम, ये भी लंबा है। इसे देख, ये था ध्यान से। हाँ ये हो सकता। तूने मारा राकेश को? नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब। झूठ बोलता है? नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं किया। ये नहीं था साहब। क्यों? इसकी आवाज वैसी नहीं है साहब। इनमें से कोई भी नहीं था साहब। कहीं तुम किसी से डर के तो नहीं झूठ बोल रहे हो? झूठ नहीं साहब, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। इनमें से कोई भी नहीं था साहब। अच्छा सर, ये छठा बदमाश कौन है? सर बिल्लू करके एक बदमाश है, ये रहा। हमने इसे बहुत ढूंढा सर, पर पता नहीं कहीं गायब है। अटेम्प्टेड मर्डर, रॉबरी, असॉल्ट, इस आदमी के हाथ पैर बहुत चलते हैं। इसके घर चलते हैं। जी साहब, बिल्लू मेरा पति है। मैं तो तंग आ चुकी हूँ साहब। बिल्लू हर वक्त चोरी चकारी मार धाड़ में लगा रहता है। अभी कहाँ है वो? पता नहीं साहब, मुझे तो उसका पता तभी होता है जब वो जेल में होता है। तभी जेल में? नहीं साहब, जेल से बाहर होता है तो उसका कोई ठिकाना नहीं होता है। आखिरी बार कब निकला था घर से? 4 दिन पहले। 4 दिन पहले? 7 तारीख को साहब। 7 तारीख? 7 तारीख को ही राकेश का फोन हुआ था ना सर? हाँ सर, ये देखिए पूना की टिकट। ये बिल्लू पूना गया था क्या? जी सर, 2 तारीख को। तुम्हें उसने कुछ बताया कि क्यों जा रहा है? नहीं सर। सर कहाँ सुधाकर? पैसे, तो बहुत सारे पैसे। तुम्हें पता था इसमें पैसे रखे हुए हैं? जी सर, बिल्लू लाया था, पता नहीं कहाँ कहाँ से पाप की कमाई ला के रखता है साहब। लेकिन मैं उसके पैसे छूती नहीं। मैं तो घर में खाना बनाने का काम करके अपना गुजारा चलाती हूँ। अच्छा ठीक है, लेकिन ये आए कहाँ से? पूना से। तुम्हें बिल्लू ने बताया था? जी सर। सब हो सकता है, ये पैसे बिल्लू को दिए। ऐसा है तो इन नोटों पर बिल्लू और जय दोनों की उंगलियों के निशान जरूर मिलेंगे। नोटों के ऊपर से मुझे 2 अलग-अलग उंगलियों के निशान मिले, ये और ये। एक तो शायद उसके होंगे जिसने पैसे दिए हैं और दूसरे उसके होंगे जिसने पैसे लिए हैं। डॉक्टर साहब, एक निशान तो बिल्लू का होगा क्योंकि पैसे तो उसी ने लिए है ना। फ्रेडरिक्स, जरा बिल्लू की फाइल दो। ये देखो अभिजीत, पुलिस रिकॉर्ड में बिल्लू के जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो इससे मैच करते हैं। ये फिंगरप्रिंट बिल्लू के ही हैं। इसका मतलब
इसे ढूंढना होगा। ये पता लगाना होगा कि बिल्लू को पैसे दिए किसने। बिल्लू ने खून उसी के कहने पे किया होगा। इस बिल्लू को जल्दी से जल्दी ढूंढो और दया को पूना में फोन करो। उनसे कहो कि जय और उसके जितने भी यार दोस्त हैं उन सब की उंगली के निशान लेके यहां भेजे। उन्हें इससे मिलाना है। देखिए देखिए, मैं एक इज्जतदार बिजनेसमैन हूं। मेरा स्टाफ क्या सोचेगा मेरे बारे में? आपको कोई हक नहीं बनता मेरे साथ इस तरह पेश आने का। मैं कौन सा जबरदस्ती कर रहा हूं आपके साथ? मैं आपसे सिर्फ इतना कह रहा हूं कि आप मुझे अपने फिंगरप्रिंट्स दे दीजिए, बस। मैं पहले अपने वकील से बात करना चाहता हूं। जरूर कीजिए, मगर इस वक्त शायद आपको वो भी यही सलाह देंगे कि आप अपने फिंगरप्रिंट्स दे दीजिए और सीआईडी की मदद कीजिए। अगर आप एक शरीफ आदमी हैं तो डर क्यों रहे? दे दीजिए फिंगरप्रिंट्स। डर कहां रहा हूं? चलिए हाथ आगे कीजिए। फैक्स कराए थे। हे, आता जाए प्रिंट? हो। आयुष्यात पहिल्यांदाच बघतोय। आता बघा। कुठे करायचं आहे? सीआयडी मुंबई। सीआयडी पुण्यात काही गडबड आहे का? पुणे में दया ने इतनी मेहनत की, जय और उसके साथियों के फिंगरप्रिंट्स लिए, लेकिन कोई फायदा नहीं। क्यों डॉक्टर साहब? इसलिए अभिजीत के एक भी फिंगरप्रिंट इस अनजान फिंगरप्रिंट से मेल नहीं खाता है। मतलब नए सिरे से ढूंढना पड़ेगा कि पुणे में बिल्लू को किसने पैसे दिए थे राकेश को मारने के लिए। नहीं, उसके लिए ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं, मैं यही बता दूंगा। आपको मालूम है तो दया से इतनी मेहनत कराने की क्या जरूरत थी डॉक्टर साहब? अभिजीत, मुझे खुद को अभी अभी पता चला। सब कुछ मेरी आंखों के आगे रखा हुआ था लेकिन मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। बेवकूफ, संभाल के डॉक्टर साहब, वहां बाल बहुत कम है। ठीक है ठीक है, कम यार। देखो, हमें दो तरह के फिंगरप्रिंट मिले थे, बराबर? बराबर है। एक तो ये बिल्लू का और दूसरा ये एक अनजान आदमी का, राइट? राइट। अब इस अनजान आदमी के फिंगरप्रिंट्स को तो तुम भूल ही जाओ, इसकी बात करो इस प्रिंट की। लेकिन सर, आप भी तो कह रहे थे कि ये प्रिंट बिल्लू का है। कह रहा था आशा, अब नहीं। क्या मतलब? मतलब ये अभिजीत के ये फिंगरप्रिंट ये राकेश का है। राकेश का? हाँ, राकेश का। एक बात बोलिए सर, या राकेश या बिल्लू, एक निशान दो आदमी के कैसे हो सकते हैं? हो सकते हैं नहीं सुधाकर, है। हाँ, मतलब बिल्लू ही राकेश या राकेश बिल्लू है? भगवान जाने। भगवान जाने नहीं डॉक्टर साहब, पुलिस रिकॉर्ड में बिल्लू के उंगलियों के निशान हैं जो पुलिस स्टेशन में ही लिए गए, और आपने कहा ये निशान उससे मैच करते हैं, करेक्ट? करेक्ट। मतलब ये बिल्लू हुआ ना? मगर अभिजीत, पुणे में राकेश के घर से दया ने जो पाइप हमें भेजा था उस पर जिन उंगलियों के निशान थे वो भी तो इससे मैच करते हैं। लेकिन सब पाइप वाले उंगलियों के निशान लाश की उंगलियों के निशान से भी तो मिलते हैं। हाँ, और आप ही ने तो फोटो खींची थी ना उसकी। हाँ, खींची थी। इसका मतलब है राकेश मर चुका है। हाँ? और बिल्लू भी मर चुका है। हाँ? ओह गॉड, व्हाट अ कंफ्यूजन। नहीं नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। मैं बताता हूं ये सब क्या है। जरा दया को फोन लगाता हूं। दया, जो नाम मैं तुम्हें बताता हूं तुम उस आदमी को पुणे से अरेस्ट करके यहां ले आओ। ये लाश राकेश की नहीं है? लेकिन कल तक तो आप कह रहे थे ये लाश राकेश की है। तो आप इतना दुखी क्यों रही रेशमा जी? अगर ये लाश राकेश की नहीं है तो इसका मतलब आपके पति जिंदा है। तो फिर ये लाश है किसकी? ये लाश
बिल्लू की है। बिल्लू की? और वो दांतों का एक्सरे और पाइप पर उंगलियों के जो निशान थे वो तो इसी के हैं ना? जी हाँ, इसी के हैं। मगर ये राकेश नहीं है। मतलब ये कि सिर्फ आपने कहा था कि ये दोनों चीजें राकेश की हैं, जबकि ये सारी चीजें बिल्लू की हैं। बिल्लू, बिल्लू, बार बार वही नाम बिल्लू। ये बिल्लू है कौन? बिल्लू वो आदमी है जो आपसे मिलने पूना आया था और जिसे आपने पैसे दिए थे। पैसे? मैंने किसी को पैसे नहीं दिए। नहीं दिए? आशा, इनकी उंगलियों के निशान लो। मैं नहीं दूंगी उंगलियों के निशान। क्यों दूं? क्योंकि बिल्लू के पास से हमें 50,000 रुपए मिले थे, जिनमें दो आदमियों की उंगलियों के निशान है। एक निशान तो बिल्लू के हैं और दूसरे आपके हो सकते हैं। मेरे क्यों होंगे? मैं नहीं दूंगी निशान। आप इतना डर क्यों रही? अगर आपने पैसे नहीं दिए तो आपके निशान नोटों पर उड़कर थोड़ी ना आ जाएंगे। दोनों निशान प्लीज। कम ऑन प्लीज, जल्दी करिए प्लीज। सर देखिएगा। अभिजीत, नोटों पर इन्हीं की उंगलियों के निशान है। आप बताइए रेशमा जी, आप तो कह रही थी कि आपने पैसे नहीं दिए। राकेश ने जय को 10 लाख रुपए देने हैं, पैसे उसके पास है नहीं, क्या करें? अपने आप को मरवा लिया? इंश्योरेंस से पैसे मिल जाएंगे? क्यों रेशमा जी, ठीक कह रहा हूं ना? अब चुप रहने से कोई फायदा नहीं है। पूना में आपका देवर बिना गिरफ्तार हो चुका है। मैंने राकेश को कहा भी था कि वो कोई ऐसा काम ना करे जिसमें पुलिस आ जाए, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी। राकेश को स्टॉक एक्सचेंज में बहुत ही भारी नुकसान हुआ था। अगर हम अपना सब कुछ भी बेच डालते तो भी पूरा नहीं होता। राकेश को डर था कि जय उसे जेल भिजवा देगा। तो इसीलिए हमने ये प्लान बनाया। हमने सोचा कि 25 लाख रुपए मिलेंगे इंश्योरेंस के, ना छोड़कर दूर किसी शहर में जाकर रहेंगे। तो हमने बिल्लू को बुलाया और कहा कि वो किडनैपिंग करे। रखी और फिर हमने उसे समुद्र में फेंक दिया। फिर लाश को राकेश के कपड़े पहना दिए, राकेश की चेन, मोबाइल और घड़ी उसके पास रख दिया। फिर हमारे पास आ गई मदद मांगने के लिए। मगर सर, इन्होंने बिल्लू के दांतों का एक्सरे लिया किसे? मैं हॉस्पिटल से
पोर्टेबल एक्सरे मशीन लेकर आई थी। बिल्लू को नींद की गोली देकर हमने उसे बेहोश कर दिया और फिर उसके दांतों का एक्सरे लिया और पाइप पर उसकी उंगलियों के निशान। डॉक्टर साहब, आपने इतनी जल्दी पता कैसे लगा लिया कि ये निशान रेशमा के? मैं तो क्या अभिजीत, कोई माई का लाल इतनी जल्दी पता नहीं लगा सकता है। वो तो मैंने ऐसे ही कह दिया था ताकि इनके पांव के नीचे से जमीन खिसक जाए। देखो खिसक गई जमीन। अब आप ये बताइए रेशमा जी कि दरअसल आपके पति हैं कहां? रेशमा, तुमने दो बार नॉक किया, मैं समझ गया था कि तुम ही होगी। क्या हुआ, तुम इतनी घबराई हो क्यों? बात क्या है? बात कुछ ठीक नहीं है। क्या हुआ, बात क्या है? नहीं नहीं, प्लीज छोड़ दीजिए। तुम्हारा प्लान अच्छा था राकेश, मगर कामयाब नहीं हुआ। तुम तीनों को बिल्लू के खून के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है।